दोस्तों, सामने वाले का दिमाग पढ़ने के लिए आप इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपना सकते हो। हम रोजाना कई लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें पता नहीं लगा पाते कि जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वह क्या सोच रहा है या वो आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जाने वाले जो आपको जानने में हेल्प करेंगी कि सामने वाला आपसे बातचीत करने के दौरान क्या सोच रहा है या सामने वाला आदमी आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। नंबर 1, उनके अपीयरेंस पर ध्यान दे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों मिल रहा है या आपसे किस बारे में बात करना चाहता है, तो आपको उसके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि सामने वाले आदमी ने किस टाइप के कपड़े पहने। अगर वो आदमी फॉर्मल कपड़ों में आया है तो पॉसिबल है कि वो आपसे किसी भी सीरियस टॉपिक पर बात करे। वहीं अगर उसने कैजुअल या स्टाइलिश कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रिलैक्स है और एक फ्रेंडली मीट के लिए मिल रहा है। नंबर 2, दूसरे के बॉडी पोस्चर को पढ़ने की कोशिश करे। जब आप किसी से मिल रहे हो तो उसके बॉडी पोस्चर से मिलने की कोशिश करें। अगर दोस्तों वो आदमी आपसे मिलते वक्त आपकी तरफ हल्का झुक कर खड़ा है या फिर बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी कंपनी पसंद कर रहा है। वहीं अगर वो आदमी आपसे अपोजिट डायरेक्शन में झुक कर खड़ा है या फिर बैठा है, तो समझ लेना कि वो आपकी कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। वही साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप उसकी तरफ झुकते हैं, और जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती है तो आप उससे दूर भागने लगते हो। नंबर 3, दोस्तों आपको उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपके आंखों में देखकर बात नहीं कर पा रहा है तो पॉसिबल है कि वो आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि उन्हें आपसे बात करने में शर्म आ रही है और वो आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वही बातचीत के दौरान वो व्यक्ति आपके आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है तो, और साथ ही एक छोटी सी स्माइल दे रहा है तो, इसका मतलब है कि सामने वाला आदमी आपसे बात करने में काफी इंटरेस्टेड है। नंबर 4, दोस्तों बातचीत के समय अगर कोई व्यक्ति अपनी हथेलियों को छुपा कर खड़ा है तो समझ लेना कि आपसे वो कुछ झूठ बोल रहा है या फिर आपसे वो कुछ छिपा रहा है। अगर किसी के हाथ उसके चिन के नीचे है तो हो सकता है कि सामने वाले के दिमाग में कोई सवाल चल रहा है और वो किसी डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहा है। नंबर 5, उनके पैरों पर ध्यान देना। अगर आप किसी से बैठकर बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले के पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हैं, तो दोस्तों समझ लेना वो आदमी उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये साइकोलॉजिकल टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।